watching it end again and again. I feel it in waves, you follow me. Drift into places I should leave. So close to the edge of something so perfect. We were too scared to take the leap. Missing the way we used to be. आज की कहानी है जबलपुर से, जो कि एक खूबसूरत और कहानियों से भरा शहर है मध्य प्रदेश में. लाइज ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, इट इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ रॉक्स. पहुंचते ही आई चेक्ड इन एट विजन महल, स्ट्रेट अप वेंट टू माई रूम, गॉट फ्रेशन अप, मेड माई सेल्फ एट होम, चार्ज्ड माई सेल्फ अप फॉर नेक्स्ट 3 days ऑफ एक्सप्लोरेशन अराउंड द सिटी. बाकी का व्लॉग अब बिना वॉइस ओवर के देखो रियल टाइम में, एंड लेट मी टेक यू अराउंड द सिटी वर्चुअली. व्हाट्स अप गाइस, फाइनली अराइव जबलपुर एंड एट विजन महल जहाँ पर मैं स्टे कर रही हूँ. एंड क्विकली मैं तुम्हें रूम टूर भी देती हूँ. सो यहाँ पर तुम्हें देख सकते हैं ना विजन महल, या नीचे किसी की शादी हो रही है तो उसका सेटअप हो रहा है. एंड आई एम ऑलरेडी थिंकिंग टू क्रैश द वेडिंग, ऑल द मेरे पास शादी लायक कपड़े नहीं है, बट कोई बात नहीं, कुछ तो काम चला के मैं शादी में तो ज़रूर जाने वाली हूँ, और कोई पंजाबी वेडिंग लग रही है मुझे तो वाई नॉट. एनी वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, दैट्स द रूम विद 2 beds. दिस इज़ लाइक सोफा कम बेड विच इज़ ऑलरेडी सेट एज अ बेड. एंड आई लव्ड दीज ह्यूज मिरर्स मैन, आई मीन सो मैनी ऑफ दीज. और यप, दैट्स द चाय कॉफ़ी वाला एरिया, केटल एंड मिनी फ्रिज, वाटर बॉटल्स. एंड सो एज सून एज यू एंटर द रूम देर इज़ दिस वॉशरूम ऑन दिस साइड. मैंने तुम्हें ना ऑपोजिट रूम टूर दिया, आई शुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस साइड, बट एनी विच वेज दैट्स द वॉशरूम, लेट्स चेक इट आउट. ओके, दिस इज द टॉयलेट एंड दैट्स द शावर यूनिट. ओके, these are cupboards with a locker and that's my luggage. Okay, so abhi ka plan to yehi hai that I'll freshen up, take some rest, and uske baad let's see jo bhi decide hoga, I'll take you guys along. 2 hours later. What's up guys? Yaar, I just slept. I mean, main kal raat ko bhi dhang se nahi soyi thi because subah subah ki flight thi, and abhi to itni neend aa rahi thi, and the bed was so cozy and I just slept. Also, I am about to miss my lunch timing. तो मैं फटाफट से वहाँ भागती हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों से बात करती हूँ. एंड या, आई विल डेफिनेटली शो यू व्हाट डू वी हैव हियर फॉर द लंच. विजन महल एक्चुअली ऑफर्स वन ऑफ द बेस्ट एंड इलैबोरेटेड बुफेज इन जबलपुर. आई लिटरली लव्ड द टेस्ट एंड वेराइटी ऑफ ऑप्शंस. माई पर्सनल फेवरेट वॉज स्टफ्ड कोफ्ता एंड कपूरकंद का हलवा. तो कभी भी जाने का मौका मिले, ये दो चीज़ें मेरी रिकमेंडेशन पर डेफिनेटली ट्राई करना. Now I am leaving to ग्वारी घाट जहाँ पर नर्मदा आरती होती है शाम को. मैंने सुना कि वो बहुत प्यारी होती है एंड देखनी चाहिए, एंड डेफिनेटली अगर आए हैं तो why not? I just came from my lunch, but now onwards तुम मुझे बाहर घूमते हुए देखोगे. आज का दिन was little relaxing. I mean, I took it little relaxed because कल मैं पूरी रात सोई नहीं थी, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ. Without wasting any further time, फटाफट हमें चलना चाहिए because winters का time and daylight already कम होनी शुरू हो चुकी है, एंड ऑटो मिल गया तो बेटर है, नहीं तो I'll book a cab. आज विजन महल में 3 शादियां हैं, एक यहाँ पर है, एक ऊपर है, एक शायद इसके बैक साइड में. मुझे लिटरली पहले पता होता ना, मैं कोई शादी के अच्छे कपड़े उठाकर आती हूँ और मैं ये सारी शादियां अटेंड करती हूँ जो भी आज हो रही हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल डेकोर दे हैव डन मैन, लाइकिंग इट. सो आई हैव रीच्ड द पॉइंट जहाँ से मुझे यहाँ पर थोड़ा पैदल चल के जाना है. यहाँ पर बैरिकेड्स है तो ऑटो अंदर नहीं जा सका, और आरती का टाइम है 7:30 बजे का, एंड अभी 6 बज रहे हैं, बट इट्स ऑलरेडी सो डार्क. जबलपुर अपने मार्बल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एंड आई गॉट टू सी वन शॉप यहाँ पे. ओके, वन मोर शॉप. आई एम क्यूरियस, व्हाट इज दिस? ये क्या है भैया? चिलम. अच्छा, चिलम. ये भैया यहाँ पर मूंगफलियाँ बेच रहे हैं. मैं पता नहीं कितने सालों के बाद ऐसे मूंगफलियाँ बनती हुई देख रही हूँ. I'm not really dressed up to be here at the wedding, लेकिन जैसे मैं बाहर से आई ग्वारी घाट से,
मैं सीधा शादी में घुस गई एंड आई थॉट कि यार बहुत ही प्यारा डेकोर है, बहुत ही अच्छा खाना वाना लग रहा है, सो व्हाई नॉट एक जाके राउंड मारा जाए. एंड ठीक है, मतलब आई एम ऑलरेडी हियर एट द सेकेंड वेडिंग. देखते हैं किसके, कुणाल जी और अनुभव कपूर फैमिली. पंजाबी शादी है तो चलो. इन्होंने यार ये सेल्फी स्पॉट बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है. एंड ये पूल साइड पे तुम देख सकते हो. गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप. सो जल्दी से चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए एंड उसके बाद आई हैव प्लान्स टू गो आउट टू बेड़ा घाट. सो इफ यू रिमेंबर, मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था दैट आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड टेकिंग प्रोफेशनल डाइट कंसल्टेशन. एंड यू नो, बिकॉज ऑफ दिस मच ऑफ ट्रैवल एंड मतलब लाइफ स्टाइल, थोड़ा बहुत हेल्थ का ध्यान रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ऑनेस्टली ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, मतलब आई हैव टू हैव द फूड विच एट टाइम्स इवन आई डोंट लाइक बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस, बट वेन एवर इट इज़ पॉसिबल आई डेफिनेटली ट्राई एंड हैव यू नो द गुड फूड. गुड फूड एज इन मतलब whatever Vidhi has suggested me. So currently I'm having this fruit poha and idli and one masala chai. What's up guys, I'm all set. Actually one good thing is ki yahan mausam kafi acha sa hai, like thand hai obviously, lekin sham ke time pe, so I'm carrying my jacket and a backpack. So without wasting any time, let's quickly go to Beda Ghat. Okay, for Beda Ghat the cab is ready. भैया मैं आगे बैठ सकती हूँ? जी यार, मैं इन भैया को ना रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे थोड़ा ड्राइव भी करने दे. मतलब रास्ते में जो भी आता है ना बढ़िया सब दिखा देना. अब मुझे गाड़ी चलाने दोगे ना? आती है ना. अरे कमाल कर रहे हो, बहुत बढ़िया आती है, उड़ाती भी हूँ मैं गाड़ी. चला लीजिए, दिक्कत नहीं है. तो भैया मुझे दे रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए. भैया को मेरे ऊपर थोड़ा विश्वास कम है, लेकिन अभी कोई बात नहीं, इनके विश्वास को हम प्रूव करते हैं. आ जाओ आ जाओ, मैं अंदर से आऊंगी. बेड़ा घाट एंड यहाँ पर एक चेक पोस्ट आता है जहाँ पर आपको 50 रुपीज के टिकट कटवानी पड़ती है, लाइक द एंट्री स्लिप. मैंने आपको कल भी दिखाया था ना कि यहाँ जबलपुर में ऐसे मार्बल्स बहुत होते हैं, तो यहाँ पर आई मीन जो बेड़ा घाट पे हम लोग जा रहे हैं दैट इज ऑल मार्बल. तो हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं, फिर आई विल शो यू. क्या भैया यहीं रुकने क्या? पार्किंग है जी, आगे सेंटर. अच्छा ओके, सो यू हैव रीच्ड द पार्किंग ऑन द लेफ्ट साइड. भैया एक बात बताओ, आज आप गेस्ट की तरह साइड में बैठे, आप गाड़ी नहीं चला रहे, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा जी. सही सही बताओ जी, अच्छा. पर मुझे ये भैया मिले, इन्होंने मुझे ये पकड़ाई टिकट. अब आप मेरे को समझा दो यहाँ क्या क्या है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट आपका मार्बल रॉक है. अच्छा, अशोका की शूटिंग हुई मोहनजोदड़ो खून भरी मांग, ठीक है. वहाँ पर 100 रुपए पर हेड टिकट है, अगर आप रिजर्व लेते हैं तो 800 रुपए होता है. अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद अपना 95 पर पर्सन रोपवे का होता है, ठीक है. प्लस फिर उसके बाद अपन गाड़ी से भी घूम सकते हैं इसमें, तो अपने को कम से 2 घंटे करीब लगते हैं, 1.5 घंटे. इसमें अपना पूरा राइट हो जाता है, पेवर वाइट दोनों साइड, बंटेन मार्बल राइट दिखा देंगे सुखदेव गाइड. अच्छा, 450 अपनी फीस होती है पूरा दिखाने का घूमने के बाद. मैडम नेम वगैरह लिखाना तो बता जाएगा. आते हुए रिटर्न में तैयार मिलेगा. कोई नहीं. सो बेड़ा घाट पार्किंग के आगे यहाँ पर ये पूरी ऐसे मार्केट है, ठीक है. एंड मार्बल का भी वो आर एक्चुअली वेरी लेट, इट्स ऑलमोस्ट 4:30, बट वी हैव टू कवर अ लॉट ऑफ प्लेसेस एंड अंधेरा होने से पहले ऑब्वियसली सारी चीजें कवर भी करनी है. एंड आई एम टेकिंग राजेंद्र भैया अलोंग. ये यहाँ पर पहले से घूमे नहीं है, सिर्फ गेस्ट को लेकर आए हैं, तो आई थॉट कि टुडे घाट. अगर आप लोग आओ तो ये भैया भी आपको यहीं पर ही मिलेंगे, ठीक है. नर्मदे यार. एंड दिस इज द लोकल मार्केट हियर. यहाँ मार्बल पे ना नाम नूम लिखते हैं, वो मैं आते हुए लिखवाऊंगी. केबल कार की विच इज 95 रुपीज. दो वाटरफॉल दिखेंगे आपको, एक बिग फॉल है. अच्छा, सो एक्साइटेड टू डू द रोपवे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. आपका गाइड सुखदेव गाइड जो दिखाएगा आपको चारों साइड, क्योंकि जब नदी में आती है बाढ़ वो डूब जाते हैं सारे पहाड़. यहाँ पर 15 जून से 15 अक्टूबर बंद रहता है. मार्बल का यहीं पे बनाई जाती है, ऑल मार्बल एज यू कैन सी. सब शायद हाथ वाथ से बनाते हैं ना, ये मशीन से करते हैं. सो फ्रॉम दैट पॉइंट वी टुक द कार बैक एंड हम जा रहे हैं बोटिंग पॉइंट तक के लिए. चलते फिर दिखाती हूँ. एंड अगेन आई टोल्ड यू कि हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, तो
जल्दी जल्दी कर रहे हैं सारे काम। तो रास्ते में जाते हुए ये 64 योगिनी टेम्पल आते हैं, ये कितनी 108 सीढ़ियां ना, मैंने शायद नहीं देखा था। 1277 साल पुराना प्राचीन है, 1277 साल पुराना मंदिर है प्राचीन, शिव पार्वती का, शिव पार्वती का मंदिर है। हम यहाँ पर आते हुए टाइम हुआ एंड इफ दिस इज ओपन देन विल गो देयर, बट अदरवाइज अभी बोटिंग के लिए चलते हैं। चलो ओके, यहाँ पर एक होटल भी है, ये ऊपर लिखा हुआ है, अच्छा एमपी टूरिज्म वालों का ही है। ग्रेट ग्रेट, एमपीटी मार्बल रॉक्स होटल एंड रेस्टोरेंट। काफी प्यारा सनसेट ऑलरेडी दिख रहा है मुझे, पर पर्सन इफ यू गो तो दे चार्ज 100 बक्स व्हिच इज आई गेस प्रीटी गुड। I'm back to the hotel and I ordered tomato soup which I totally loved, and to be very honest Vision Mahal ka mujhe khana bahut hi acha laga, I mean wow. Also ye hotel like overall mujhe yahan ki vibes bahut hi achi lagi, and jo bhi yahan par jaise मैं खाना खाने जाती हूँ, जो भी यहाँ का स्टाफ है, इवन ड्राइवर भैया भी थे, मैंने उनसे बहुत बातें करी एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक एवरीवन इज सो फ्रेंडली एंड द बेस्ट पार्ट इज किसी का भी फोन आता है रूम में या मुझे किसी को कॉल करनी होती है, एनी वन आई मीट एट द होटल दे कॉल इट महल नमस्कार, एंड मुझे मतलब मेरे पूरे दो दिन में मैंने सबको नमस्कार ही बोला एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो नॉर्मली हाय हाउ आर यू ये सब बोलना होता है। बट एनी वेज टॉकिंग अबाउट बेड़ा घाट, तो यार देखो जगह बहुत अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, आपको डेफिनेटली जाना चाहिए इफ़ यू आर अराउंड एनी वेयर। वन थिंग विच आई डिडंट लाइक वॉज पेइंग 450 रुपीज़ टू द गाइड, गाइड की ऑनेस्टली यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, मुझे नहीं पता मैंने गाइड क्यों लिया। गाइड इज़ लाइक मैं कहीं पर भी ऐसे ट्रैवल करती हूँ तो मैं गाइड ले लेती हूँ अगर कहीं पर मैं फर्स्ट टाइम जा रही होती, बिकॉज आई रियली लाइक टू नो द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस, बिकॉज मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आई लाइक दैट इन्फॉर्मेशन टू पास ऑन टू यू गाइज ऑल्सो, सो दैट्स रिक्वायर्ड यू नो। कल का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, कल मैं तुम्हें पूरा प्रॉपर्टी का टूर दे दूंगी एक छोटा सा, एंड आई एम गोइंग ऑन फूड वॉक टुमारो विद अ वेरी स्पेशल पर्सन एक्चुअली। तो द नेक्स्ट व्हाट्सअप गाइज, इट्स माई लास्ट डे हेयर इन जबलपुर एंड आई एम ऑलरेडी ड्रेस्ड बिकॉज आज का प्लान बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं जा रही हूँ यहाँ पर फूड वॉक के लिए इन जबलपुर एंड आई एम गोइंग टू ट्राई लॉट ऑफ स्ट्रीट फूड, बट बिफोर दैट आई हैव समवन रियली रियली स्पेशल एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू मीट हर। हाई, सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, सो आई एम ओशीन एंड मैं भी एक यूट्यूबर हूँ एंड मैं जबलपुर से ही हूँ, तो ये फर्स्ट टाइम जबलपुर आई हैं, तो मैं तो इन्होंने मुझे मतलब मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे एंड मेरा भी यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग मैं यहाँ पर टैग कर दूंगी, तो डेफिनेटली चेक कर आउट। लेकिन जो चीज मेन है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट डैम शी इज अ केबीसी कंटेस्टेंट एंड इन्होंने जीता है मतलब वहां पे अच्छा खासा पैसा, शी इज अ लखपति यार। हाँ मैंने, मैं अभी अभी एक महीने पहले केबीसी 13 में फीचर हुई हूँ, लेट्स गो। महल नमस्कार, शॉप बेवा मंगोड़े वाला। अनफॉर्चुनेटली ये दुकान आज बंद है, लेकिन यहाँ की स्टोरी पता क्या है, मंगोड़े बेसिकली मंगोड़े किस चीज से क्या मूंग की दाल के बनते हैं, मूंग की दाल के एंड उसको पीस के एंड उसमें प्याज वगैरह डाल के बनाते हैं। सो व्हाट स्पेशल अबाउट इट इज दैट कि जो उनको बनाते हैं वो कढ़ाई में गरम गरम कढ़ाई में हाथ डाल के उसको निकालते हैं, मतलब आई कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट। I'm rolling like water in the sea, the memories crashing into
to me, so close to the edge of something so hard. So, मुझे यहाँ पर ओजल गुप्ता जी मिली, जिन्होंने मुझसे आगे पूछा कि आपका YouTube चैनल है एंड शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू व्लॉग, है ना? क्या व्लॉग करना चाहते हो आप? मैं कुछ भी कुछ भी व्लॉग कर सकते हो, इसलिए मैं घर में प्रैक्टिस करती हूँ. घर में प्रैक्टिस भी करती हूँ. वाओ, डू यू हैव अ YouTube चैनल टू? नो. ओके, व्हेन आर यू प्लानिंग टू स्टार्ट? व्हेन आई विल इन द कॉलेज. व्हिच इज गुड. अभी थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए. बिल्कुल, अब स्कूलिंग कर लो, उसके बाद अच्छे से स्टार्ट करो. लेकिन आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे? हाँ, पक्का. प्रॉमिस. एक्चुअली ट्यूजडे को ना ये वाली मार्केट बंद रहती है. दैट इज द रीजन वी आर फाइंडिंग मोस्ट ऑफ द फूड पॉइंट्स क्लोज. बट आई विल शेयर द नेम ऑफ द प्लेसेस ताकि अगर आपको कभी भी आना हो तो यू नो यू विल फाइंड दोज प्लेसेस ओपन. बट जो जो हमें दिख रहा है अच्छा वी आर गोइंग टू ट्राई दैट. नाउ देयर इज अ शिव शंकर लस्सी एंड लेट्स ट्राई. देखो, कहीं पर भी जाओ गोलगप्पे खाना बहुत जरूरी है. एंड जबलपुर में गोलगप्पों को फुल्की बोलते हैं. गरम चने वाले होते हैं यहाँ पे. ओके, बॉइल्ड आलू वाले. हाँ, पर यहाँ पे चने डाल मटर बोलते हैं. मटर, या राइट. एंड द बेस्ट पार्ट आई एम लाइकिंग अबाउट जबलपुर इज कि ना ये पत्ते के डोने यूज करते हैं. क्या साल के पत्ते के होते हैं ना? है ना, दिखाना एक. सी, दिस इज सो गुड. ऐसे करना पड़ेगा, मतलब ऐसे करना पड़ेगा एंड इस पे ये आपको फुल्की रख के देंगे. ऐसे आपको पकड़ना पड़ेगा. दिस इज सो गुड. आई मीन ईगो फ्रेंडली. गोलगप्पे खाने के बाद सूखी पापड़ी इज मस्ट. एक तो वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है और ऊपर से टेस्टी भी सबसे ज्यादा शायद वही होती है. नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई दिस वेरी फेमस खोया जलेबी ऑफ जबलपुर फ्रॉम हियर राजा रसगुल्ला. बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टेस्ट है एंड अच्छा टेस्ट है एक्चुअली. हम दोनों ने इतना खा लिया कि हम मतलब सांस भी ले रहे हैं तो ऐसे पेट भर रहा है हमारा. आई वुड रियली लाइक टू थैंक ओशीन टू ज्वाइन मी एंड यू नो टू टेक आउट टाइम टुडे अपने बिजी स्केड्यूल में से एंड वी कुड कवर लिटिल बिट. एंड ओशीन को मैंने जितना भी थोड़ा बहुत जाना पहचाना, आई रियली एडमायर लाइक द काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. यू आर सो स्वीट एंड ऑलवेज स्माइलिंग एंड वेरी सिंपल. आई लव योर कंपनी. एंड मैं ये कैमरा में सच बोल रही हूँ, झूठी बोल रही हूँ. नाम तो बता दो अपना. मेरा नाम है हिना. ओशीन, जब भी हम कोई काम सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं मेरी लाइफ में, वी डैब. तो आई वांट यू टू डैब विद मी. ठीक है, मार्क टू. आई एम गोइंग बैक टू द बस स्टैंड. वहां से मैं वो मदन बहन के लिए ऑटो करूंगी. प्रशांत भी आएंगे ऑटो पर मुझे. एक्चुअली मुझे बड़े अच्छे से घुमा रहे हैं, यही मुझे गाइड भी करने वाले हैं आज. एंड फर्स्ट ही टुक मी टू दिस बैलेंसिंग रॉक. ये देख लो जी, इनकी गाड़ी का नंबर इन्होंने रिक्वेस्ट किया डालने के लिए. तो यहाँ के लोग वैसे, वन मोर पॉइंट, बड़े धार्मिक है. सबने ऐसे नर्मदा जी का कहीं ना कहीं मेंशन कराया हुआ. गाइज, इफ यू कैन सी बिहाइंड इज द बैलेंसिंग रॉक. एंड वो तुम देख सकते हो, बड़े छोटे से पॉइंट पर एक के ऊपर दूसरा रॉक बैलेंस किया हुआ एंड नीचे नहीं गिर रहा है. इसकी बहुत ज्यादा डिटेल मुझे एंड हिस्ट्री मुझे नहीं पता है. बैलेंसिंग रॉक से और 20-25 मीटर आगे यहाँ से ये मदन महल की सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं एंड देर आर 205 स्टेयर्स. देर इज दिस शिवजी भगवान जी का टेम्पल. मंदिर से सिटी का व्यू यू कैन सी, इट लुक्स ब्यूटिफुल. आई हैव रीच्ड. इट्स ऑल रुइंस ऑब्वियसली. थोड़े थोड़े लोग भी हैं बट एज आई हर्ड इट्स नॉट रियली सेफ टू कम इन ऑड टाइमिंग्स. सुबह दिन के टाइम पे आ जाओ एंड कम इन ग्रुप. फाइनली लेट्स गो इनसाइड द किला. व्यू बड़ा अच्छा है. वेरी नाइस. ओके, दिस इज सो टिपिकल ऑफ इंडियंस टू एक्सप्रेस देयर लव इन द वे दैट पूरी दुनिया को दिखे और वो हेरिटेज को थोड़ा ऐसा यू नो डर्टी करे. जैसे अमन जी और स्नेहा जी ने अपना यहाँ दिल बनाया हुआ है. SMG होगा कुछ, मयंक, विवेक. एनीवेज, गुड पार्ट इज लोगों ने अपने फोन नंबर भी दिखवाए, सो दे मस्ट बी रियली तन्हा इन लाइफ. नाइट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टनल. ओह वाओ, यहाँ पर तो और ज्यादा प्यार का इजहार है. वाओ यार, यहाँ से व्यू बहुत ही जबरदस्त आ रहा है. इफ यू कैन सी, थोड़ा सनलाइट ऐसी है कि शायद ज्यादा अच्छे से नजर नहीं आए तुम लोगों को. बट ऑन माई लेफ्ट देर इज दिस कम्प्लीट सिटी व्यू एंड ऑन माई राइट इट्स ऑल
फॉगी बट ऑल यू नो थोड़ा हिल्स विल्स वाला लग रहा है. दैट्स द स्टोरी ऑफ मदन महल. यू कैन पॉज एंड read it. I found this place interesting for photography and videography, and also it's a nice decent place to come if you are here in town. Personally mujhe aise aise jagahein bahut achhi lagti hain, baki apni apni choice hai. Dekho travel wali zyada nahi to halka sa glimpse milta hai ki aaj se pata nahi kitne 100 saal pehle life kya hua karti thi. Yahan par aane se pehle I had a lot of food which I should not have because of you know being fried or oily and sweet, but matlab क्योंकि मैं एक ट्रैवलर हूँ, जहाँ पर भी मैं जाती हूँ मेरा बहुत बड़ा पर्पस होता है कि मैं वहाँ का लोकल फूड ट्राई करूँ. अब उसमें कॉम्पनसेट हम कर सकते हैं डेफिनेटली. दैट इज द पॉइंट वेयर विधि इज लिटरली हेल्पिंग मी आउट. ऑब्वियसली इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है कि मुझे वर्कआउट करना है, लेकिन अगेन मैंने आपको बताया मेरा स्केड्यूल इस तरीके का रहता है कि मैं बहुत टायर्ड होती हूँ एट टाइम्स. इतना खाने के बाद मैंने बहुत वॉक भी कर लिया, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ भी चढ़ ली हैं, तो काफ़ी लेवल पर ये कॉम्पनसेट हो गया. एंड जो बचा कुचा है वो मैं होटल में जाने के बाद आई विल गो टू जिम एंड बर्न दैट आउट, बिकॉज खाना भी ज़रूरी है और अपनी सेहत भी ज़रूरी है. थैंक्स टू विधि, स्पेशल थैंक्स टू विधि. आई मीन शी इज लाइक अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ. मैं भी एक नारियल पानी पी रही हूँ बिकॉज मुझे पानी की क्रेविंग हो रही थी, तो बट नारियल पानी इज बेटर. आप लेंगे भैया? नहीं, ले लीजिए. It is so stupid of me that I totally forgot to carry my bamboo straw and that reusable mug. Because this trip se maine literally apne aap ko promise kiya tha ki wherever I'll be going and traveling next, I'll keep that. Thank you ji. आप भी प्लास्टिक कम यूज किया करो. कोई भी आता है ना उनको बोला करो स्टील में लो, कांच के ग्लास रख लो तीन चार, या स्टील के एक टाइम में तीन चार ही चाहिए होते होंगे, इतने आप रखो. प्लास्टिक कम यूज किया करो. ठीक है, ठीक है. गुड मॉर्निंग गाइज, फाइनली टाइम टू लीव जबलपुर. पठा जाने से पहले आई क्विकली हैव ब्रेकफास्ट एंड रन टू द एयरपोर्ट, बिकॉज मेरे को लग रहा है आज भी मैं थोड़ा लेट हूँ. बिफोर आई लीव आई वुड रियली रियली लाइक टू थैंक्स विजन महल फॉर सच एन अमेजिंग स्टे. मैं आपको बता भी नहीं सकती कि यार मेरा मतलब मैं कितने लोगों से मैंने बातें करी, कितने लोगों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट किया, एंड द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी मतलब इट इज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड स्पेसिफिकली द स्पा सेशन. ओ माय गॉड, एंड द फूड.